नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मसल लीक में। आज के इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ स्किनी फैट आखिर किस टाइप का बॉडी टाइप होता है और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझे तो स्किनी मतलब तो एक पतला दुबला व्यक्ति होता है, बट स्किनी फैट मतलब क्या होता है। स्किनी फैट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिस बॉडी को हम बॉडी टाइप को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये बॉडी स्किनी फैट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है स्किनी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्किनी यानी पतला दुबला व्यक्ति। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है हायर बॉडी फैट, इसका ये मतलब हुआ कि एक पतला दुबला व्यक्ति जिसका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो इसे ये साबित होता है कि स्किनी होने के साथ साथ आपका बेली फैट बढ़ गया है और आप स्किनी फैट कैटेगरी में आ चुके हैं। बट आपको स्किनी फैट बॉडी समझने से ये फायदा होता है कि आप स्किनी फैट अपना लुक को चेंज कर सकते हैं। तो यूजुअली होता क्या है, कुछ लोग बॉडी वेट को इंक्रीज करके स्किनी फैट का लुक चेंज करना चाहते हैं और कुछ लोग बॉडी वेट को डिक्रीज करके स्किनी फैट का लुक चेंज करना चाहते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है स्किनी फैट लोगों में लीन मसल मास, उनका लीन मसल मास काफी कम होता है। तो यूजुअली लोगों का ये मानना है कि अगर वो ज्यादा कार्डियो करेंगे और वेट लूज करेंगे तो उनका फैट परसेंटेज भी कम हो जाएगा और वो स्किनी फैट से सिर्फ स्किनी रह जाएंगे। बट इसका रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल भी स्किनी रह जाते हैं और उनका वेट हो जाता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो स्किनी फैट का लुक खत्म करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप हैवी या लाइट वेट लिफ्टिंग करने के साथ साथ अपना लीन मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप अपना पूरा ओवरऑल बॉडी का फैट कम कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी में काफी अच्छा मसल्स का डिफिनेशन आएगा। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ये रिजल्ट होगा कि आपका ओवरऑल बॉडी का फैट कम हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका मसल भी बिल्ड हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक काफी बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्किनी फैट होता है और वो जिम ज्वाइन करता है तो पहला एक साल उसको जो गेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर वही बंदा अगर 8 साल से जिम या वर्कआउट कर रहा है मसल मास बिल्ड करने के लिए, तो बाद में जो मसल मास बिल्ड होता है उसका प्रोसेस काफी स्लो होता है, बट पहला साल जो गेंस होता है वो काफी फास्ट होता है और इसी गेंस को हम कहते हैं न्यूबी गेंस। तो न्यूबी गेंस काफी स्पीड प्रोसेस होता है। जब कोई बंदा पहली बार या कोई व्यक्ति पहली बार जिम ज्वाइन करता है तो उसको 5 से 8 महीना में काफी जल्दी मसल्स का डिफिनेशन दिखता है और उसके बॉडी में काफी चेंजेस आता है। और अगर आप स्किनी फैट है तो आप न्यूबी गेंस काफी अच्छा देखेंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसका 2 एडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज वेट लॉस में वेट तो कम होगा बट आपका मसल मास को प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज होता है मसल बिल्डिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जब आप करेंगे तो आप साथ साथ अपना मसल मास को भी काफी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो स्किनी फैट वो बंदा होता है जो कि ओवरऑल उनका लुक स्किनी होता है बट उनका बेली बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और उनका बेली फैट ज्यादा होता है। और स्किनी फैट का लुक को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा वे है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपका स्किनी फैट का ओवरऑल लुक तो ठीक हो ही जाएगा, साथ साथ थोड़ा मसल भी बिल्ड हो जाएगा। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप गोइंग।